दोस्तों, ये वीडियो जो है पिछले कई दिनों से एक बड़ा ही सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त तरीके से आपस में बहसा बहसी ये सारी चीजें चल रही हैं। उससे परे हटकर एक जो अहम मुद्दा था, जो अहम बातें थी, उसमें लोग उसको भूलकर आगे बढ़ रहे हैं जो जिस पर हम ये बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ हफ्ते पहले दीपक शर्मा और विशिष्ट साहब जो जो एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, दीपक शर्मा के साथ थे उस वक्त, उस फैमिली के बारे में शायद आज कोई नहीं बात करना चाहता है जो इस वक्त परेशानी हाल में है। शिवम विशिष्ट करके उस बंदे का नाम था जो दीपक शर्मा के साथ था गाड़ी में, और उनकी मौत हो जाती है। पता ये चलता है दोस्तों कि उस परिवार में कमाने वाला सिर्फ वही था, और उससे बड़े भी भाई का भी एक बार ये भी पता चला मुझे कि लाइव वीडियो में मैं देख रहा था कि उस बड़े भाई का भी की भी मौत हो चुकी थी जो शिवम के परिवार के थे। यानी कि एक ही परिवार के दो जवान लड़कों की मौत हो जाती है उस परिवार में। हालांकि पहले जो भाई की मौत हुई थी वो पहले हुई थी, अभी ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो शिवम विशिष्ट जिनका नाम है, वो दीपक शर्मा के साथ जो गाड़ी में थे, एक्सीडेंट होता है, उनकी मौत हो जाती है। पता ये चलता है कि उस परिवार की मदद करने के लिए दीपक शर्मा किसी प्रकार का मदद करने के लिए पेटीएम और बैंक अकाउंट वगैरह का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मदद वहां पहुंचा नहीं। ये बात हमें अवनीश मिश्रा भाई के तरफ से पता चलती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो मां पिस रही है, वो परिवार परेशान हो रहा है, वो घर परेशान हो रहा है जिसकी मदद करने की बात हो रही थी। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये काम आप सारी राजनीतिक बातों से अलग हटकर, सारी चीजों से अपने अपने एजेंडे को अलग रखते हुए, जिस प्रकार का आप एजेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, ना जाने किस प्रकार की चीजों को आप समाज में लाने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीजों को अलग हटाते हुए मैं ये यहां पर ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो हम लोगों ने कोशिश करी थी दोस्तों कि जो शिवम विशिष्ट है जिसकी मौत हो गई थी, उनके माताजी के बारे में पता करने की कोशिश की गई थी कि कहीं उनका अकाउंट नंबर पता चल जाए या उनके पिताजी के पता चल जाए तो हम लोग कुछ अपनी तरफ से आर्थिक मदद पहुंचा सके, लेकिन ऐसा पता नहीं चल पाया। तो मैं ये गुजारिश करता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं दीपक मिश्रा से, दीपक शर्मा भाई से या अवनीश मिश्रा भाई से कि अगर हो सके तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए या उन माता का हमें या अभी भाई को जिसको भी देना दे दीजिए। हमारे तरफ से मोहब्बत के दंगे परिवार की तरफ से 50,000 या 51,000 रुपए का एक छोटा सा मदद, छोटी सी मदद आप कह सकते हैं, छोटी सी मदद देने की कोशिश होगी ताकि जो परेशानी से वो मां गुजर रही है उनकी परेशानी में कुछ मदद हो सके। दैट्स इट। हमें आपके एजेंडे से, हमें आपके किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर ये संभव हो सके तो आप या तो अपना अकाउंट नंबर, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ही उस मां तक वो मदद पहुंचाएं। बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटी सी मदद होगी, मुझे पता है इस बात के बारे में, लेकिन हमारी जितनी हैसियत है, हमारी जितनी औकात है, हम छोटे से लोग हैं, हम इतनी ही सी मदद कर सकते हैं। और चूंकि हिंदुस्तान में नहीं है, इस वजह से जाकर भी मदद नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप दीपक शर्मा और अवनीश मिश्रा भाई, अगर ये मेरे वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप इसको मेहरबानी करके या तो मुझे या अभी डांडिया भाई को अपना अकाउंट नंबर या उस माता का अकाउंट नंबर पहुंचा दीजिएगा, दे दीजिएगा। जब भी आप ये चीज हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, उसके एक हफ्ते के अंदर में उस अकाउंट में 51,000 रुपए पहुंच जाएंगे। अगर एक दो दिन लेट भी हो जाता है तो माफ कर देना, क्योंकि मकसद है मदद करना। लेकिन अगर आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो मेहरबानी करके आप जरूर बताइएगा और अकाउंट डिटेल्स शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप क्या खुलासा कर रहे हैं, किस प्रकार से उस माता की मदद हुई या नहीं हुई। उनकी वीडियो देख के यही लग रहा है कि बेचारी वो अभी भी परेशानी में है और किसी प्रकार का पैसा उनको मिला है या नहीं मिला है, इससे भी हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम मोहब्बत के दंगे परिवार वालों की तरफ से अगर छोटी सी मदद हो जाती है तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। वो एक माँ है और उस माँ के जवान बेटे के खोने का गम जो होता है वो सब लोग समझ सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आशीष भाई और भी जितने भी लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो उन दोनों भाई तक पहुंच जाता है तो मेहरबानी करके आप लोग ये चीज़
उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मोहब्बत के दंगे परिवार की तरफ से 51,000 रुपए हम, या तो माता जी का, आप चूंकि कोई अकाउंट नंबर नहीं है हम लोगों के पास में, अवनीश मिश्रा भाई या दीपक शर्मा भाई, अगर आपके पास है आपका अकाउंट ही दे दीजिएगा, आप लोग पहुंचा दीजिएगा वहां, मदद कर दीजिएगा, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि उस माता की परेशानी दूर होनी चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत मदद हम लोगों की तरफ से कुछ हो जाए तो ये आपकी मेहरबानी होगी। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप अपना अकाउंट नंबर या उस माता का अकाउंट नंबर मुझे या अवि डांडिया भाई के अकाउंट में फेसबुक पे आप भेज दीजिएगा। हम लोग वहां उसको एक हफ्ते के अंदर में 51,000 रुपए की एक छोटी सी मदद पहुंचाएंगे।